गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं एक स्पेशल मंदिर में, ये जो गुजरात में है, स्वामी नारायण मंदिर में आए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी हम और ये दोनों लोग आए हैं और आज गुजरात का 1 जनवरी है तो आज पूरा मंदिर खाली है। तो अभी हम लोग अभी जस्ट इंटर किए हैं तो सोचा एक ब्लॉग बना लूँ यहाँ का और ये मंदिर सबको दिखा दूँ कैसा है ये मंदिर। तो फ्रेंड्स देखिए ये मंदिर है, ये हमारे यहाँ का मंदिर है जो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये मंदिर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अभी हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे साइड में चारों तरफ चेयर लगा हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए, जो भी यहाँ पे आएगा दर्शक घूमने के लिए वो यहाँ पे बैठ सकता है आराम से। और फिर यहाँ पे कुछ क्वार्टर वगैरह हैं जो गेट के सीधे पास में है, तो ये क्वार्टर वगैरह है यहाँ पे, और बगल में उधर पार्क और झूला भी है। तो फ्रेंड्स अभी हम चलेंगे अंदर, चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम अंदर जा रहे हैं इसमें घूमने के लिए, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी ये भी जा रहे हैं, सोचते सोचते बहुत जा रहे हैं। तो अंदर काफ़ी अच्छा है, हो सके तो मैं अंदर अभी ना जाऊँ, ये जाएंगे, ये आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जा रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ ये अभी बैठ रही हूँ मैं भी बैठ रही हूँ। तो ये लेकर जाएंगे आप लोगों को। बाहर तो हम लोग आ चुके हैं अभी और बाहर से ये मंदिर ऐसा दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है अंदर से। आप लोगों ने देखा होगा कि ये मंदिर अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इस मंदिर में काफ़ी व्यवस्था भी किया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है यात्रियों के लिए पीने का पानी का भी सुविधा है, उधर पानी बहुत ज़्यादा रखा गया है और गार्डन भी है। चलिए मैं आपको गार्डन में ले चलती हूँ। तो ये वाला गेट है जो वो गार्डन का है, अभी हम आपको यहाँ, ये जो है हमारा गार्डन है, देखिए इसमें झूला, बच्चों के लिए झूला वगैरह सब चीज है, सबका व्यवस्था है इसमें। तो अभी हम आ चुके हैं गार्डन में, तो देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत है ये बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। एक दिन मैं रात में ऐसे बोल रही थी एक ब्लॉग में, मैंने बोला है कि एक दिन मैं इस मंदिर में जरूर आऊँगी और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं इस मंदिर में आ गई। मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस मंदिर में आज ही आ जाऊँगी सडनली। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर झूला लगाया गया है, ये सब झूला है, बहुत अच्छा लग रहा है झूला। और यहाँ पर भी है, देखिए ये भी सब झूला है। और यहाँ पर पीने का पानी है, पानी की भी व्यवस्था है। एक्चुअली यहाँ का जो नल है वो खराब हो गया है, बट आगे वहाँ पे जो नल है वो चालू है। और ये भी एक झूला है यहाँ पे, ये छोटे बच्चों के लिए है।
और ये जो गेट है वो मेन सड़क से है, बट इसको अभी बंद किया गया है। इस मंदिर में कई गेट हैं, हर जगह गेट है, मतलब जो भी हमारा मतलब सड़क से जो भी निकलता है वहाँ पे ये मतलब इसका गेट लगा हुआ है इस मंदिर का बड़ा बड़ा। तो यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है, टंकी लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था है। और उधर फ्रेंड्स उधर भी देखिए एक छोटा सा गेट होगा, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी गेट है। और ये सब तो आप देख ही रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा मंदिर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ आए हैं तो थोड़ा झूला झूल लें, अभी थोड़ा सा हम उस पर नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, तो थोड़ा सा झूला। ओह माय गॉड, मैं तो झूले पे नहीं बैठ पा रही हूँ, एक्चुअली मैं इस पर से लग जा रही हूँ। चलिए पहले, वैसे भी जब बैठ ही गई हूँ, हाँ अभी आ गए हैं तो शायद मैं झूले पे बैठ जाऊँ। तो ये अभी झूले पे बैठ रहे हैं, देखिए बैठ गया, इंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल बड़ा मजा आ रहा है, इनको अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ पे यार? ये आज तक मैं आया तो नहीं था, लेकिन सच में बहुत अच्छा है। हाँ। और मुझे पता चल गया अब मैं रेगुलर ही आया करूंगा यहाँ पे। हाँ अच्छा लग रहा है ना। हाँ, जब टाइम लगेगा मैं आया। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली यहाँ पे 1 जनवरी के दिन आ गए हैं, और यहाँ पे इस मंदिर को हम लोग ने आपको दिखाया। यह मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और अंदर से भी काफी खूबसूरत है। एक्चुअली मैं मंदिर में अंदर नहीं गई थी, अभी यही गए हैं, तो मैं भी अभी पूरा वीडियो में ही देखूंगी अंदर से मंदिर कैसा है, लेकिन अभी आगे मुझे जस्ट दिखाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मंदिर और कैसा लगा ये जगह। तो अगर आपको घूमना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं जैसा आपको अच्छा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, और मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।